राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ की उठने से मैं वैसे एक दो दिन मम्मी बरसने वाला है 28 तारीख लग खूब ठीक है 23 तो 28 लग तो भाई एक बार फिर तो स्वागत करूँ भाई दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की तावना बेरा भाई भर्ती निकट गई है नई भर्ती आ गई है टोटल 7500+ पदों ऊपर नोटिफिकेशन जारी भी हो चुका है ठीक है 1 सितंबर तक तारे फार्म भरने शुरू हो जाएंगे और नवंबर दिसंबर में तारा पेपर सारे ने मेरे इन बातों का ये बात आओ इन 7500+ पदों की तैयारी कैसे करनी है भाई क्या कुछ पढ़ने कितनी देर तक पढ़े क्या स्ट्रेटजी बनाए कौन सी बुक पढ़ा के कुछ मतलब ऐसा मतलब के कुछ अंड बंड संड चूड़ी चंड करा भाई जिसता है सिलेक्शन हो जाए और बढ़िया तैयारी हो जाए जिसके 50 नंबर के 50 क्वेश्चन इसमें 45+ का स्कोर कुकर करा क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं अप्लाई डेट सिलेबस बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं सारा का सारा सिस्टम तारती आज की वीडियो का मैं कंप्लीट बताया जाऊंगा ठीक है अपना चैनल पर तैयारी भी करवाई जाओगी इसलिए चैनल से सब्सक्राइब भी कर सको अगर तारी इच्छा हो तो कोई धक्का मुक्की को नहीं ठीक है तारी इच्छा पर डिपेंड मैं तो असल में कह कौन करूँ आज उन्होंने गलती तो कहेगी कह दिया गया पहली बार देखो भाई फटाफट सीखिए कुछ है सबसे पहले आज की वीडियो देखो भाई एक चीज़ तो पहला बताऊँ कंप्लीट देखियो कई जने हैं 2 मिनट देख की और छोड़ जाओ हैं फिर क्या हुआ है जो महत्वपूर्ण चीज़ हूँ कई बार बीच में बताई जाओ हैं वो रह जाओ हैं जो और काल जो मैंने वीडियो बनाई एक चंडीगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल की वीडियो बनाई मैंने उसका मैं बताई थी भाई कि आपको 12th पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए है अब ड्राइविंग लाइसेंस मैंने उसका मैं नू भी बताई थी कि भाई ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है फीमेल कैंडिडेट्स यानी महिलाओं के लिए मादाओं के लिए नहीं है ओनली सिर्फ नरों के लिए है लेकिन फिर भी वीडियो पूरी देखा को नहीं फिर कमेंटम सड़दम तारी जाए सर क्या महिलाओं को भी सर क्या मादाओं को भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है क्या महिलाओं को भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है अरे जब वीडियो के अंदर बताया दिया भाई कौन क्या जरूरत है फिर वो है कमेंट तो भाई तुम वीडियो देख लिया करो ना एक के बारे में तो देखो भाई सबसे पहले तो तैयारी कैसे करनी है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की भाई जिसका तारा सिलेक्शन हो जाए कितने घंटे डेली रूटीन से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम डेट तो हमारा मेरा नवंबर दिसंबर का पेपर होना है लेकिन अगर आप लोग जो पिछली बार जो सेलेक्ट हुए थे आप उन बच्चों का पूछ सको होता हमें कि भाई उनने कितने दिन तैयारी करी थी बड़का ना 6-6 महीने 1-1 साल तैयारी करते हो जाओ हैं जिस जा की सिलेक्शन हुआ है 6 महीने पहला मन लगा कि तैयारी करनी पड़े फिर उसकी रिवीजन मारनी पड़े है फिर उसकी प्रैक्टिस सेट लगा के देखने पड़े जिस जा की सिलेक्शन हुआ है तो हम कह सोचो जो भी नए नए बालक हैं भाई हम 6 महीने तैयारी करके सीधे नौकरी लग जाए 6 महीने भी अगर तैयारी करो दिन रात एक करने पड़ेंगे 3 महीने हमारा सिलेबस पूरा फिर 2 महीने उसकी रिविजन 1 महीना उसके प्रैक्टिस सेट जिस जा की सिलेक्शन होगा तो तैयारी अगर तुम आज का दिन तय शुरू करोगे ना जिस जा की सिलेक्शन होगा या जो खाकी टोपी के जो तुम सपने संजो हो नहीं जो खाकी टोपी के जो सपने समझो हो या नुए कौन मिलती भैया इस खातर बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं बहुत दिन रहता ही नींद उड़ानी पड़े जिस जाके मिला खाकी टोपी तारा कर देता हम नुए राज्य हो रहे हो बनुए सिर पर दरी जाओ है जिक्के की तैयारी कैसे करें जिसमें 50 में से मैक्सिमम स्कोर आ जाए तो हमारा बेरा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का मैं जो तारा एग्जाम पैटर्न है एग्जाम पैटर्न देखो इसका मैं जो सबसे ज़्यादा जो कोटा हो 50 क्वेश्चन जिक्के के हैं ठीक है जिस जिक्के के अंदर आपकी करंट अफेयर भी शुमार है ठीक है करंट अफेयर के साथ साथ आपके नॉर्मल हिस्ट्री और जो आपकी ज्योग्राफी है पॉलिटी है इनके प्रश्न भी शुमार होंगे और साइंस के प्रश्न भी आओगे साथ में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर की इस्ती कुकर लपेटोगे मैथ के 15 क्वेश्चन 15 नंबर गिनती कुकर लपेटो कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर गिनती कुकर लपेटो टोटल 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो यानी 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो यानी कि समझो अगर 4 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो 1 नंबर कट जाएगा आगे बात समझ में यो सिस्टम है तो अभी देखो तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को पहले तुम्हें बता देता हूँ डेली का रूटीन कैसे पढ़ना कितने घंटे डेली रूटीन से पढ़ना है कोई घंटे फिक्स नहीं होते भाई या चीज़ से हम किसी चैनल पर जाके देख लो कोई भी चैनल वाला करना बताओ ना डेली 6 घंटे पढ़ो 8 घंटे पढ़ो 10 घंटे पढ़ो उड़ता है वीडियो ना बंद कर दियो कुछ भी घंटे किसी के फिक्स नहीं होते डेली का एक टॉपिक सेलेक्ट करो टॉपिक कैसे बस जैसे मान लो जिक्के करने लग रहे हो जिक्के के अंदर भाई आज तो मना जो कर नू सेलेक्ट कर लो भाई सुबह सुबह उठते ही भाई आज मैं मना जो हिस्ट्री है हिस्ट्री के अंदर भाई जैसे भाई मान लो मना आज अकबर का टॉपिक निपटाना है ठीक है साथ में इसका जो था बाबर का टॉपिक निपटाना है हुमायूं का टॉपिक निपटाना है ठीक है भाई आज मैं मना हिस्ट्री के ये 3 टॉपिक निपटाने हैं ये 3 टॉपिक निपटाने खातर चेता मना 1 घंटा लग गए चेता मना 2 घंटे लग गए हर एक व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होया करे कई बच्चे की कैचिंग पावर तेज़ हो गए है
तो वो इससे टॉपिक थी है एक घंटा में भी रगड़ देंगे। कई बच्चे की कैचिंग पावर जमा कमज़ोर हो है, वो इस टॉपिक थी कई बार इसी टॉपिक में कह रहा 5 घंटे लगा दें, इसी से भी बाढ़ हैं। तो आप ये किसी थी तम किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते। ये जो कई बच्चे देखा ना भाई दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल लगने की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक बच्चे का अलग टाइम टेबल होता है। कई बच्चे रात को पढ़ना पसंद कर रहे हैं, कई बच्चे सवेरा उठ के पढ़ना पसंद कर रहे हैं, कई बच्चे सवेरा 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं उनको उस टाइम समझ में आवे, कई बच्चे सारी सारी रात पढ़े उनको उस टाइम समझ में निशाचर प्रवृत्ति के हुए हैं, ठीक है। तो हर एक बच्चे का रूटीन अलग अलग होता है, आप इसको सेट नहीं कर सकते, वो आपको हिसाब से आपको अपना समय निकालना, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह का होता है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी सबका हिसाब अलग अलग हो, जो जिस टाइम कंफर्टेबल हो उस टाइम पढ़ सके। आप ना कि आप ना रिजल्ट ले आना है, सिलेक्शन लेना चाहे कुकरे ले लो, शाम दाम दंड भेद लगा के, चाहे सुबेरा पढ़ो चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, या जिस तारीख को कौन देखा है, चाहे तुम किसे टाइम पढ़ो, दुनिया रिजल्ट मांगे अगर रिजल्ट देखेगी, रिजल्ट में सिलेक्शन है, चाहे तुम 1 घंटा पढ़े हो चाहे तुम 10 घंटे पढ़े हो, कोई कौन पूछे, ठीक है। सिलेक्शन नहीं है, रिजल्ट कम है, चाहे तुम सारी सारी रात पढ़े हो, चाहे तुम 24x24 घंटे पढ़े हो डेली, चाहे तुम 1 भी घंटा ना सोए तो भी कोई कौन पूछे तेरे, आगे बात समझ में। तो ये डेली के टॉपिक सेलेक्ट कर लो भाई, हिस्ट्री के अंदर मैंने आज में ये 3 टॉपिक हैं खत्म करने हैं, ठीक है। आज का दिन में 6 टॉपिक मेरे से कितनी देर में खत्म हो, उसी टाइप से कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर को अभी से कंप्यूटर के अंदर टाइम मत खराब करना। कंप्यूटर कब पढ़ना आपका, जैसे नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा तो सितंबर के महीने से कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर देना, अभी कंप्यूटर के ऊपर इतना टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद आता आपका मैथ, मैथ के 15 क्वेश्चन है 15 मिनट के अंदर निपटाने हैं। ये कैसे करने, ये अपना जो यूट्यूब चैनल है ना अपना जॉब्स टारगेट वाला, यही तो इसकी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, इसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने कंप्लीट मैथ करवा रखा है आपका, 26 से 27 वीडियो के अंदर, 26 से 27 वीडियो हैं कंप्लीट मैथ, जिसको शॉर्ट ट्रिक के अंदर करवा रखा है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है। अर्थमेटिक ही आता दिल्ली पुलिस के अंदर, एडवांस नहीं आता, अर्थमेटिक ही आता, तो कंप्लीट करवा रखा है शॉर्ट ट्रिक के साथ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की उसकी 3 क्लास है 1 घंटे की, जिसके अंदर सारी शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी हैं। तो आप वहाँ से शॉर्ट ट्रिक सीख लो, जैसे भाई कैसे करना है, जैसे 1 घंटे की 1 क्लास होती है, आज 1 घंटा मैथ की क्लास लगा ली, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की, उस टॉपिक के सारे प्रश्न कर लिए और उनके नोट्स बना लो एक अलग से कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। आज कर ली प्रॉफिट लॉस की 1 क्लास, कल फिर 1 घंटे की 1 क्लास और कर लो, अगले दिन फिर 1 घंटे कर लो, ये 3 दिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट। उसके बाद एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, ठीक है। इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी, इसके अंदर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के 100-150 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखने। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त एक चीज़ दिमाग में फिक्स रखियो कि ये जो भी प्रश्न था प्रैक्टिस करो वो था मैंने बुक का तरीका था प्रैक्टिस कौन करने, बुक में जो तरीके दे रखे ना क्वेश्चन आगे सोल्यूशन वो बहुत ही लंबे मेथड से कर रखे हैं, अगर तुम उस मेथड से सोल्व करने लग जाओगे तो तारा 90 मिनटों में पेपर पूरा को नहीं हुआ, ठीक है। जो मैं मेथड सिखाऊंगा या फिर कोई भी और यूट्यूब पर अगर कोई भी टीचर मेथड सिखा हुआ है, जो शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप लोगों ने मेथड अदा करोगे तब जाके आपका सवाल है पूरा होगा। मैथ नो कर लोगे डेली 1 घंटा क्लास लगानी है, टॉपिक पूरे होते हैं उसकी प्रैक्टिस करने के ऑप्शन आर एस अग्रवाल की बुक से, ठीक है। जीके के लिए बुक आप लोग ल्यूसेंट की आप लोग है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो वाली बुक ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप वाली जो क्वेश्चन वाली बुक है वो ले लो, वहाँ से कवर अप करो डेली के टॉपिक सेलेक्ट कर लो भाई, आज मना हिस्ट्री के भाई ये टॉपिक ख़त्म करने हैं, साँचे भाई मना चे 2 घंटे पढ़ने पड़े चाहे 4 घंटे पढ़ने पड़े, लेकिन ये करने सबसे ज़्यादा टाइम आपको जीके को देना है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपको मैथ को देना है, ठीक है। ये 2 चीज़ों की बुकों का पता लग गया। अब करंट अफेयर की बात आती है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ क्या पढ़े, करंट अफेयर डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका महीना खत्म हो, जैसे अभी ये मई वाला महीना है, अभी मई का महीना खत्म होने वाला 10-11 दिनों के अंदर, 9-10 दिनों के अंदर मई का महीना खत्म होगा। 1 जून को 100 डाल के यूट्यूब चैनल है अपना, यूट्यूब पर 100 डाल के यूट्यूब चैनल है जो पूरे महीने की करंट अफेयर एक साथ करवाते हैं, वो PDF भी देते हैं। तो या तो वो PDF ले लो डाउनलोड करके, दुकान पर जाके उसका प्रिंट निकलवा लो और उस PDF को 3-4 बार पढ़ दो, सारी करंट अफेयर याद हो जाएंगे। डेली 1 घंटा उन करंट अफेयर में खराब करने का कोई भी तुक कौन बनता, ठीक है। डेली 1 घंटा खराब करने की कोई जरूरत को नहीं, आगे बात समझ में। उसके बाद आओ तारी रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करें, क्या पढ़ें। रीजनिंग के लिए कोई माथा मारने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रैक्टिस सेट की बुक लियाओ रीजनिंग की, दिल्ली को पुलिस कॉन्स्टेबल के प्रीवियस ईयर की कोई बुक लियाओ या कोई और, बस जहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगी है आपके सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। रीजनिंग के अंदर तो आपके 25/25 आने चाहिए, जो भी क्वेश्चन मिले प्रीवियस ईयर के या फिर दिल्ली पुलिस के हो या फिर SSC के किसी भी एग्जाम के हो, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर दो डेली। डेली समझ लो भाई, डेली मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं,
25 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा आपको रीजनिंग का। डेली मुझे 50 क्वेश्चन करने, डेली 50 क्वेश्चन का एक सेट कर दो रीजनिंग का, जो आपका एक घंटा में चाहे दो घंटा में डेली। इससे बार आपका कुछ भी नहीं आएगा प्रीवियस ईयर से बार, ठीक है। जैसे ही आपका सिलेबस पूरा होगा 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर, उसके बाद आपको इसकी मोटी मोटी रिविजन करनी है 15-20 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको इसके प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम से, उधर भी अवेलेबल है। जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आड़ा अपना 120 रुपया का में है, 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाए दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के नए पैटर्न पर आधारित, ठीक है। प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, या कितने तक डाउनलोड कर लियो वो क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उड़ता भी कर सको। ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी भाई, जिक्के के अंदर डेली रिवीजन मारनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो। जैसे भाई ल्यूसेंट का मान लो, आज आपने ये एक पन्ना पढ़ के 3-4 टॉपिक लिपटा दिए, कल आप दूसरा पन्ना पढ़ोगे, तो दूसरा पन्ना पढ़ने के बाद जो आपने पिछले दिन जो सा पहला पन्ना पढ़ा था उसकी एक बार मोटी मोटी रिवीजन मारनी है, तब जाके वो पर्सन दिमाग के अंदर सेट होंगे, नहीं भूल जाओगे सारे आना, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और तैयारी अगर आप लोग आज से ही शुरू करोगे, तैयारी है अगर आप लोग आज से ही शुरू करोगे ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तब जाके सिलेक्शन होगा, पहले बताने लग रहा हूँ। जो साथी नु सोचे हैं भाई, हम लोग नवंबर तक शुरू कराएं भाई, सितंबर में फार्म भरने शुरू करें, शुरू होंगे हम उस टाइम तैयारी शुरू करें, टाइम नहीं मिलेगा आपकी। सितंबर में फार्म भरने शुरू हैं, 30 सितंबर में फार्म भरने बंद हैं, और अक्टूबर का टाइम है, 1 महीना में तैयारी करनी इम्पॉसिबल है, बिल्कुल असंभव। अगर आज से तैयारी करनी शुरू करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। आगे बात समझ में, बुक भी बता दी है, सिलेबस भी बता दिया है, ठीक है। सिलेबस अपना टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लियो, यूट्यूब और नेट पर सर्च कर लियो, पाई जाएगा सिलेबस। 7500+ पदों की भर्ती पर बार बार ऐसा गजब का मौका नहीं आया हुआ, यह सूचना धरती देनी थी। मन लगा के तैयारी कर लो, सहरा थी, राम राम, धन्यवाद, लांडा ले लो, खेचो फटाफट।